सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लक्जरी इमर्शन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1-800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं dsadkanama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया गांव में और ये जिला परिषद का जोन नंबर 6 है, जहां से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी करण चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। और चूंकि चुनावी प्रचार बंद हो चुका है, हमारे साथ इस वक्त अर्जुन चौटाला हैं, यानी कि ये कह सकते हैं कि करण को जिताने के लिए अर्जुन मैदान में उतरे हैं। और पिछले कई दिनों से इस जोन के तमाम जो गांव हैं वहाँ पे डोर टू डोर किया है, जनसंपर्क किया है। अर्जुन, क्या कुछ कहना चाहेंगे, अलग अलग जगहों पे आप जा करके आए, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? देखिए जी, लोगों का तो बहुत बढ़िया रिस्पांस है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवा साथी मिल रहे हैं जी, और बड़ा ही अच्छा, बड़ा पॉजिटिव माहौल मिला है। हम जिस भी गाँव में गए हैं, हम तो घर घर जाने का हमने काम करा है, पर एक बड़ा ही पॉजिटिव, बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है जी सबका। तो क्या बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं इस इलाके में, आप लोगों के बीच में गए इसी, क्योंकि ये इलाका है जहाँ से कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हैं, वो सरकार में भी हैं, बड़ा मुद्दा क्या है इसका, विकास की कहीं बात है या कुछ और, क्या कहेंगे? देखिए जी, जिला परिषद का ही जो इलेक्शन है, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो लोकल डेवलपमेंट का है, और लोकल डेवलपमेंट में हर गाँव क्या, हर गली का अलग मुद्दा हो जाता है। किसी गली के अंदर कोई नाली की दिक्कत हो सकती है, कोई गली बनी ना हो, कोई ढाणियों के रास्ते में दिक्कत आ सकती है, कोई बिजली की दिक्कत आ सकती है, तो जो आम तौर पर जो गांव के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए और उसकी जो मेंटेनेंस होनी चाहिए या उसके अंदर जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, वो हमेशा से एक बड़ा की इशू रहा है। आप किसी भी गाँव में चले जाओ, कहीं चले जाओ, ये जो मुद्दा है वो हमेशा रहता है। और इंडियन नेशनल लोकदल से हमेशा से ही लोगों की ये उम्मीद रहती है कि भाई आपके जब चेयरमैन बनेंगे, जिस तरह से आप पहले भी काम कराते हुए आए हो, वैसे ही आप आगे लोकल डेवलपमेंट के इस इशू को आगे बढ़ाने का काम करें। तो नशा भी एक बड़ा मुद्दा मानते हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि गांव-गांव में नशा है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए, नशा तो आज के दिन एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ इस इलेक्शन का ही नहीं, नशा का तो एक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है जो पहले कभी हरियाणा में होया नहीं करता था। बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर मतलब आज भी उनके परिवार पीड़ित हैं। किसी का जवान लड़की की डेथ हो गई है, किसी घर में किसी की डेथ हो गई, किसी घर का कोई लड़का कोई जेल में है, कोई अस्पताल में है, तो एक बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर। और इसको टैकल करने के लिए हमारा तो हमेशा से प्रयास रहा है, पर साथ ही साथ हमने हमेशा सरकार से भी और पुलिस से भी हमने मिलकर के ये बात कही कि भी इस प्रयास में आप गाँव वालों को साथ देने का काम करें जी। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला कहते हैं कि उन्होंने 3 साल में इस इलाके में काफ़ी काम किया है, तो लोग हैं वो विकास के नाम पर वोट देंगे। देखिए जी, अगर काम करे होते तो इतना उनको आज घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तो हमें भी आज इतना घूमने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्यों? क्योंकि चौधरी अभय सिंह जी जब यहाँ से विधायक थे, उन्होंने इतने काम कराए, आज भी लोग मानते हैं कि भी इस परिवार से चौधरी अभय सिंह जी इसकी सबसे अच्छी नीतियाँ हैं, वही बड़े चोई साहब जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पर काम करते हैं, और वही उम्मीद सबको करण भाई सबसे भी है। धन्यवाद, धन्यवाद लेकर के आश्वस्त हैं, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अर्जुन सिंह चौटाला, लगातार मस्त बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।